यूक्रेन रूस की जंग के तीसरे दिन कीव धमाकों से गूंज रहा है। कीव एयरपोर्ट के बहुत करीब बहुत बड़ा धमाका हुआ। ब्रिटेन का दावा है कि रूस की सेना कीव शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और भारी संख्या में रूसी फौज कीव शहर की तरफ आ रहा है। रूस की एक मिसाइल से यूक्रेन के कीव में रिहायशी बिल्डिंग देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गई। हालांकि रूस का दावा है कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन रूस के हमले में यूक्रेन में करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन पर रूस लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ रहे हैं, वहीं आसमान में रूसी फाइटर्स हुंकार भर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। तबाही के बीच यूक्रेन ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के अनुसार उसकी सेना ने रूस के कम 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया है। रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का भी यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन से एक भयावह वीडियो सामने आया है। इसमें एक टैंक कार को रौंदते दिख रहा है, पूरा टैंकर कार के ऊपर चढ़ जाता है। यह पता नहीं चला कि वीडियो यूक्रेन के किस शहर का आया। हालांकि कार में सवार बुजुर्ग पूरी तरह से बच गए इसमें, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में लोगों ने बुजुर्ग को कार से बाहर निकाला। यूक्रेन में फायरिंग के दौरान आज तक की रिपोर्टिंग की तस्वीरें सामने आई। मारियोपोल से डेनिप्रो जब आज तक के संवाददाता गाड़ी से जा रहे थे, तब उन पर फायरिंग की गई। जब रिपोर्टर ने सैनिकों का जमावड़ा दिखाने का प्रयास किया, बौखलाए सैनिकों ने गाड़ी पर फायरिंग की। वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ संवाददाता गौरव सावंत और राजेश पवार सुरक्षित निकल गए और यूक्रेन से उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि 1,00,000 से ज्यादा आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने बातचीत के दौरान पीएम से राजनीतिक समर्थन की अपील की। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने भारत की जमकर तारीफ की। रूस ने भारत को काफी करीबी दोस्त बताया। रूस इस बात से खुश है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापस लाने का सिलसिला जारी है। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने का काम शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों का पहला दल मुंबई पहुंच चुका है। रोमेनिया से एयर इंडिया के विमान से 219 छात्र मुंबई पहुंचे। ये सभी छात्र यूक्रेन से सड़क के रास्ते रोमेनिया बॉर्डर ले जाए गए थे। भारत लौटने पर छात्रों के चेहरे पर सुकून था। यूक्रेन से वापस लाए गए छात्रों को मुंबई एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रिसीव किया। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इस मौके पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर भी यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्रों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची। रूस से जंग के बीच 1,20,000 यूक्रेन के नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार इन लोगों ने यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में पनाह ली है। रूस की लगातार हमले के बीच यूक्रेन में दहशत का माहौल है। लोग बड़ी संख्या में सड़क के रास्ते पड़ोसी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू को और सख्त कर दिया गया है। कीव में शाम 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक सख्त कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि कर्फ्यू तोड़ने वाले दुश्मन समझे जाएंगे। यूक्रेन के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री से भी बात की है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन के जंग को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की वकालत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने इस मामले को सौहार्दपूर्ण हल निकालने की अपील की है। रूस ने पोलैंड और चेक गणराज्य के लिए अपने स्पेस को बंद कर दिया है। रूस ने यह कदम पोलैंड और चेक रिपब्लिक की तरफ से एयर स्पेस बंद किए जाने के कदम के बाद उठाया। काला सागर में टर्की ने रूसी युद्धपोत का रास्ता रोक दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसके लिए टर्की का धन्यवाद किया। जेलेंस्की ने टर्की के राष्ट्रपति से बात की और सेना के साथ ही मानवीय सहायता के लिए आभार प्रकट किया। रूस के लगातार हमले के बीच यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने 4 रूसी सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पकड़े गए रूसी सैनिकों की तस्वीर भी जारी की। रूस यूक्रेन की जंग में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू हो गया है। दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। रूसी मीडिया ने जेलेंस्की के यूक्रेन की राजधानी कीव से भागने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जेलेंस्की ने कहा कि वो अंतिम सांस तक देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति की लोगों से खुद देश की हिफाजत के लिए हथियार उठाने की अपील का जबरदस्त असर पड़ा है। एक यूक्रेन की सांसद किरा रुदिक राइफल के साथ रूसी सैनिकों का सामना करने के लिए खड़ी हो गई हैं। सोशल मीडिया पर उनका हथियार के साथ फोटो खूब वायरल हो रहा है।
यूक्रेन से जन की कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। लोगों ने सबवे में शरण ले रखी है और एक सबवे में एक बच्चे ने भी जन्म लिया। नवजात बच्चा सुरक्षित है, लेकिन इस तस्वीर ने सबको भावुक कर दिया।